हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। तो अब हमारा जो भी ट्रिप था चेन्नई एंड मदुरई सब कंप्लीट हो चुका है और हम निकल लिए हैं मदुरई से चेन्नई इग्मोर के लिए, क्योंकि हमारा फ्लाइट था चेन्नई से पटना डायरेक्ट। बट हमें बिल्कुल ही खबर नहीं था कि हम लोग जा कर के मदुरई से चेन्नई इग्मोर उससे पहले ही म्यूचांग में फंसने वाले हैं। हमें बिल्कुल खबर नहीं थी इस चीज़ की। तो हम लोग चल तो दिए थे, बट आगे जैसे जैसे चेन्नई के करीब पहुंच रहे थे, हमने अचानक यूट्यूब मैंने देखा तो देखा कि पूरा मतलब चेन्नई एरिया बाढ़ से एकदम नीचांग की वजह से पूरा पानी से डूब चुका है। तो यहाँ तक कि चेन्नई इग्मोर तक हम लोग का टिकट था, वो स्टेशन भी पूरा पानी से डूब चुका था। तो सच बता तो मैं मतलब बहुत दिमाग ख़राब हुआ उस टाइम, तो क्या करना क्या नहीं करना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर लोग गए एंड जाने के बाद से फाइनली एक वहाँ से 150 किलोमीटर पहले दिल्लीपुरम एक स्टेशन है, वहाँ पर ट्रेन मतलब स्टॉप था, उसके आगे ट्रेन नहीं गया क्योंकि आगे पूरा पानी लगा हुआ था। एंड दिल्लीपुरम से हम लोग उतरे करीब 6 बजे के आसपास। अब हमें तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्या करे क्या नहीं करे, कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। तो फाइनली हम लोग एक कुछ पैसे पूछते पूछते एक बस स्टैंड गए। बस स्टैंड से वहाँ बताया कि हाँ आप लोग, और एक लड़का मिला था वो बताया कि आपको एयरपोर्ट जाना है तो आपको यहाँ से बस पकड़ लीजिए और बस से आपको वो पहुँचा देगा ताम्बरम। एंड ताम्बरम से 8 किलोमीटर के दूरी पे फ्लाइट माँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। तो हम लोग वहाँ से बस में बैठे और बस हम लोगों को लेके गया एंड नज़दीक पहुँच ताम्बरम से 10 किलोमीटर पहले तक पूरा रोड पे पानी पानी दिखाई दे रहा था। तो हमें समझ, और वो ताम्बरम से 5 किलोमीटर पहले ही हम लोगों को ड्रॉप कर दिया। और वहाँ पे उतरने के बाद जो नज़ारा मैंने देखा मैं कभी भूल नहीं सकता अपने लाइफ में। पूरा रोड पे पानी से एकदम भरा हुआ था, पूरा लाइट शहर का कटा हुआ था, ऊपर से कुछ आइडिया नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिर वहीं पे जस्ट बगल में आप ये देख सकते हैं कैसे 10 किलोमीटर पहले का ये दृश्य है। तो वहाँ पहुँचने के बाद से हम लोग एक फाइनली एक ऑटो वाला था तो उससे हम लोग बोले कि ताम्बरम स्टेशन पे भाई पहुँचा दे हमें। तो ये ताम्बरम जंक्शन पहुँचाने के बाद फाइनली हम लोग यहाँ पे देखिए कैसे सब पड़े हुए हैं, सोए हुए हैं, रात के 2 या 3 बज रहा होगा, सब लोग ऐसी थकान से बैठे हुए हैं। जो हालत था उस टाइम स्टेशन पर, ना पानी था ना कुछ खाने को था मतलब। उसके बाद फाइनली हम लोग जब अगले दिन पता किए तो भाई चलिए रूट थोड़ा क्लियर हो गया है, जा सकते हैं आप लोग एयरपोर्ट। तो हम लोग का तो जो फ्लाइट था वो कैंसिल हो गया था बट रिशेड्यूलिंग हुआ। तो हम लोग को वहाँ से चेन्नई से बेंगलोर एंड बेंगलोर से पटना का, तो अगर फाइनली फ्लाइट पे यहाँ पे एयरपोर्ट पे आने के बाद से जो सुकून मिला कि हाँ भाई चलिए, धीरे धीरे देखा कि हाँ भाई मतलब फ्लाइट्स आ रहे हैं जाने, धीरे धीरे लोग आना शुरू हो गए हैं जाना। तो मुझे लगा कि चलिए हम लोग फाइनली मतलब जाने वाले हैं। लेकिन फिर भी एक मैसेज आता है आपको कि हाँ आपका मतलब फ़्लाइट कन्फर्म है कि आपको चलने वाला है। तो जब वो मैसेज आया तो हम लोग कन्फर्म हो, चलिए भाई हम लोग फाइनली यहाँ से निकलने वाले हैं। देखिए हम लोग अपना लगेज है वो चेक इन, उसके बाद से फिर हम लोग अपना वेटिंग हॉल में जा कर के बैठते हैं। तब जा कर के हम लोग को सुकून जो मिलता है हम लोगों को बता नहीं सकते हैं जो सुकून मिला था। क्योंकि एक तो उस वहाँ पे लैंग्वेज का प्रॉब्लम, ऊपर से ऐसा जो मतलब विचार में फंसे थे, सोचे नहीं थे कि ऐसा कुछ होने वाला है, बट हो गया। बहुत मतलब हॉरिबल मतलब हम लोग का जर्नी रहा लास्ट में। स्टार्टिंग में तो बहुत सही था और क्या कर सकते हैं, पेशेंस रखना पड़ा था। एंड इसके बाद ये देखिए हम यहाँ पे घूम रहे हैं एंड फाइनली जब देखे कि फ़्लाइट्स आ रही जा रही, तो बहुत हम लोगों को सुकून मिला था। ये चीज़ मतलब आपको क्या मतलब बहुत प्रॉब्लम से हम गुजरे उस टाइम। फाइनली वेट करते करते रात में हम लोगों को 12 बजे था फ्लाइट चेन्नई से बेंगलोर के लिए, जो कि 1 बजे तक पहुँचा दिया था। और 1 बजे से फिर सुबह 5:30 बजे के आसपास फ्लाइट था जो 8 बजे तक पटना हम लोग को छोड़ देता। तो फिलहाल हम लोग वेट कर रहे हो, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सही मतलब व्यू है, फिर कुछ भी खाते हैं यहाँ पर हम लोग। एंड फाइनली हम लोग जा रहे हैं अपने फ्लाइट में बैठने के लिए। तो ये जो सुकून था इतना चीज़ झेलने के बाद से, तो मतलब क्या ही बताएं आपको। एंड ये देख सकते हैं फ़्लाइट के व्यू हम लोग अभी बेंगलोर के लिए, और उसी हॉरिबल जर्नी की वजह से हम लोगों को मौका मिला रात को ट्रैवल करने का। नहीं तो हम लोग का फ्लाइट दिन में ही था डायरेक्ट चेन्नई से पटना, बट इसके वजह से हम लोग को मौका मिला कि हम रात में भी फ्लाइट का मज़ा ले सकते हैं। तो ये भी हम देखते रहिए वीडियो में।
देख सकते हैं मतलब क्या मतलब चमकता हुआ शहर दिखाई दे रहा है बैंगलोर जहाँ हम लैंड करने वाले हैं। गजब का मतलब व्यू है ये, तो ये पहला मतलब नाइट व्यू आप भी देख सकते हैं। साथ में मुझे कोल्ड ड्रिंक एंड ये सब मिला खाने के लिए सैंडविच, तो इन्जॉय करते हुए हम निकल गए। एंड फाइनली हम लोग बेंगलोर लैंड कर गए और मैं तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर ठंडा लगने वाला है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग को सच में मतलब चेन्नई में जैसा था नॉर्मल टेम्परेचर था तो हमें लगा कि यहाँ भी उतना नॉर्मल होगा, बट नहीं यहाँ पर ठंडा काफ़ी लग रहा था। एंड जाने के बाद से सारा हम लोगों को तो वहाँ पर बताया गया था कि आपका जो चेक इन बैग है वो सीधा आपको पटना मिलने वाला है, तो इस वजह से हम कुछ क्लॉथ्स भी एक्स्ट्रा नहीं पहन सकते थे, बट वैसे ही हम लोग को झेलना पड़ा। आइडिया जब नहीं होता तो प्रॉब्लम तो होता ही है, देख सकते हैं इस वीडियो में। सुविधा दीजिए, हम बेंगलुरु के टर्मिनल 1 पर पहुंच गए हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव अराइव्ड एट बेंगलुरु टर्मिनल 1, थैंक यू। अब आप मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी सीट पॉकेट ठीक से देख लें ताकि आपका कोई सामान विमान में रह ना जाए। सीट बेल्ट का संकेत बंद होने तक कृपया आप अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखें। सामान कक्ष सावधानी से खोलें। अपनी यात्रा में इंडिगो को शामिल करने के लिए धन्यवाद। कंप्लीट स्टॉप एंड द सीट बेल्ट साइन इज स्विच्ड ऑफ। प्लीज ओपन द ओवरहेड बिन्स केयरफुली। थैंक यू फॉर फ्लाइंग विद इंडिगो। सी यू नेक्स्ट टाइम। एंड ये देखिए यहाँ से हम लोग को ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि जिसका भी कनेक्टिंग फ्लाइट होता है उसका ट्रांसफ़र होता है वहीं से, तो फिर से वहाँ पे सब चीज़ बॉडी वगैरह चेक होता है, उसके बाद से आपको मतलब वेटिंग एरिया में जाया जाता है। तो ये देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग का बेंगलोर से चेन्नई से बेंगलोर था एंड बेंगलोर से हम लोग का कनेक्टिंग था, इसलिए ट्रांसफ़र हुआ। उसके बाद से हम लोग बेंगलोर से पटना जाना था, तो फिर यहाँ पर ऊपर आकर हम लोग रेस्ट करते हैं, वह ठंडा भी है। फाइनली हम लोग सुबह निकलते हैं इस फ्लाइट में जाने के लिए जो हमें पटना पहुंचाने वाला है, तो बहुत एक्साइटेड भी थे। चलो भाई फाइनली हम अपने घर लौट रहे हैं और अच्छे से लौट रहे हैं। फाइनली जब सुबह हुआ गाइस तो आप देख सकते हैं ये बादल सुबह का मतलब अलग ही वाइब आ रहा था। जो बादल को हम सुबह सुबह अपने घर से नीचे से देखा करते थे, आज उन बादलों से सुबह सुबह जा रहे हैं। करीब 7:30 या 8 बज रहा होगा। On behalf of the entire team on board, it is indeed my pleasure to thank each one of you for choosing to fly with IndiGo. शहर ऊपर सूर्य दिखाई दे रहा है, थोड़ा फॉगी फॉगी दिख रहा है, क्योंकि ठंडा तो इधर पड़ रहा था ना काफ़ी, इसलिए बट बहुत सही लग रहा था। एंड देखिए हम लोग फाइनली लैंड कर रहे हैं, धीरे धीरे ज़मीन पे जा रहे हैं, और ये जो मतलब खुशी था उतरने के बाद ही मिला था मुझे। फाइनली अब मतलब हम लोग जो सिवान से सोनपुर, सोनपुर पटना, पटना से चेन्नई, चेन्नई से मदुरई, फिर मदुरई से बेंगलोर, बेंगलोर टू फिर से पटना एंड पटना से फिर से सिवान, तो ये जो जर्नी बहुत सही रहा एंड काफ़ी मतलब मेमोरेबल भी रहा भाई। जो चीज़ मेमोरी में बना वो मतलब कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो बस ये रहा पटना एयरपोर्ट, अपना बिहार, अपना पटना। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अगर नहीं मर्ज तो कुछ मत कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, सब तक के लिए बाय।
तो ये रहा जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है सुबह का नज़ारा है। एंड अपने एरिया में चलने का अलग ही मज़ा आता है, एक अलग ही रुतबा होता है। तो बस आप देख सकते हैं। एंड फाइनली वो सही सलामत घर वापस आ गए हैं। और ये रहा सिवान जंक्शन, और इस जंक्शन पर आने के बाद जो सुकून मिला बताया नहीं सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस।